हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक में नया चीज सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अ नोट। तो देखो नोट क्या है हमारा, नोट करके लिखो इसको। इफ सम ऑफ SUM, इफ सम ऑफ कोफिशियंट्स, इफ सम ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन is zero, if sum of coefficients of a quadratic equation is zero, then one of the root of the equation will be one। ठीक है, वीडियो पॉज करके सोचो एक बार मैंने क्या बोला। ठीक है, एक्सप्लेन तो अभी कर ही रहा हूं। मैंने बोला कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है, जैसे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, मैंने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर इस पे सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो है, तो क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक दिया है ना, इसका एक रूट वन होगा ही होगा। ये क्लेम कर रहा है ये नोट। कैसे, जैसे सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो गया, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। और बोल रहा है अगर ये जीरो है, If sum of coefficient of a quadratic equation is zero, अगर ये zero है, तब वो claim कर रहा है कि इस quadratic का एक root one होगा। होगा, अब क्यों होगा? रख के देखो। मैंने बोला अगर one इसका root है, अगर one इसका root है, तो इसको satisfy करेगा। अगर one मैं इसमें रखूंगा, a into one square plus b into one plus c is equal to zero, तो इससे क्या आया मेरा, a plus b plus c is equal to zero, which is true, क्योंकि ये तो given है। इसका मतलब क्या है? One इसको satisfy कर रहा है। तो जो मैंने स्टेटमेंट बोला, दैट इज फॉर एवरी क्वाड्रेटिक। अगर मैंने जैसे आपको सोचे थे, मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि इसका एक रूट वन होगा। वैसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर, एक्स माइनस वन का स्क्वायर है, दोनों रूट वन है, बट एक रूट वन तो होगा ही। क्यों? क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन, एक्स का कोफिशिएंट माइनस टू, और ये कॉन्स्टेंट पार्ट इज वन, तो एडिशन क्या होगा, वन माइनस टू प्लस वन, विच इज जीरो। जैसे मैंने और लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, इसका एक रूट पक्का वन आएगा, क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, वन माइनस फाइव माइनस फोर प्लस फोर जीरो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है ना, चलो तो वीडियो पॉज करके हम लोग लिख लो। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? तो मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए। देखो क्वेश्चन इज, देखना मैं क्या लिख रहा हूं क्वेश्चन। Prove that the following equations have rational roots, or information given है, given that a comma b comma c belongs to q, q मतलब rational number। तो पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट में लिखा है इसने, देखना पहला पार्ट में लिखा है a minus b into x square plus b minus c into x plus c minus a equals to zero। ठीक है, इसको हम दो मेथड से करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो इसके रूट्स आएंगे वो रैशनल आएंगे। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो रैशनल, देखो सबसे पहली बात कि जो ए बी सी उसने रैशनल ले रखे, तो जो कोफिशिएंट्स अभी लिखे हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, दिस विल बी रैशनल, दिस विल बी रैशनल एंड दिस विल बी रैशनल, बिकॉज रैशनल माइनस रैशनल रैशनल ही आता है। तो अभी जो क्वाड्रेटिक दिया है एट प्रेजेंट इस क्वेश्चन में, उसमें कोफिशिएंट्स क्या होगा, हमारे रैशनल होगा, पहली बात क्लियर है। चलो ये एक पहली बात। अच्छा, अब मैंने बोला जो हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, चलो डिवाइड बाय 2a। अब देखो अगर जो a और b है वो मेरे कोफिशिएंट्स हैं x स्क्वायर और x के रिस्पेक्टिवली, तो a और b तो मेरे रैशनल है। तो मैंने बोला इरेशनलिटी आया अगर मान लो रूट्स में, तो आएगा किसके चलते, इस रूट d के चलते आएगा। मैंने बोला सिंस कोफिशिएंट्स अगर मेरे क्वाड्रेटिक के अगर रैशनल है, तो ये रैशनल होगा, a रैशनल होगा। तो ये जो डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे रूट्स रैशनल आने वाले हैं या इरेशनल। क्लियर है? तो इसने बोला है कि रूट्स आर रैशनल, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा,
ये जो डी है ना अंदर, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से मेरा मतलब क्या है, जैसे 25, 36, तो क्या होगा ना, अंडर रूट 25 लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, ये भी रैशनल आ जाएगा। रूट 36 होगा तो वो 6 आ जाएगा, वो भी रैशनल हो जाएगा। अब अंदर ऐसा नहीं बचना जी, 3 बच गया तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली मैं क्या प्रूफ कर दूं इसमें, मतलब मैं क्या कंक्लूड करूं, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल आएंगे। तो अब मेरा टारगेट हो गया, इसका डी निकालता हूं और प्रूफ कर दूंगा किसी भी तरीके से, थोड़ा मतलब टर्म्स को रीअरेंज करके, कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलो तो अब मैं करता हूं इसका, तो मैं डी निकालता हूं। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b होता क्या है, x का कोफिशिएंट, तो इधर क्या लिखा है, b माइनस c, माइनस 4 टाइम्स a इनटू c, तो a तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, व्हिच हियर इट इज a माइनस b एंड कांस्टेंट पार्ट इज c माइनस a। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं फर्दर, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4 टाइम्स, अब इन दोनों ब्रैकेट को ac, हाँ ac माइनस a स्क्वायर, और ये हो गया हमारा माइनस बी सी और प्लस ए बी। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखना माइनस 4 इंटू माइनस ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर लिख देता हूं, 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे माइनस 2 बी सी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ठीक है, माइनस 2 बी सी, और जैसे माइनस बी सी माइनस 4, तो प्लस 4 बी सी, तो 4 बी सी माइनस 2 बी सी इज 2 बी सी, फिर माइनस 4 ए सी और माइनस 4 ए बी। अब मान लो तुम्हें लगता है कि अब तुमसे सॉल्व हो जाएगा, तो मेक पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखना मैं बता रहा हूं कैसे, मैं कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, वो चीज आइडेंटिटी यूज करूंगा। तो देखो 4 ए को स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, 2 ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज प्लस सी स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, 2 bc लिखा है तो ट्वाइस ऑफ b इंटू सी, अब देखना प्लस ट्वाइस ऑफ, अब माइनस 2 ac को मैं क्या लिख सकता हूं, एक मिनट, ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस 4 ac है ना, तो माइनस 2 a इंटू सी, माइनस 4 ए बी को क्या लिख सकता हूं, प्लस 2 टाइम्स माइनस 2 ए इंटू बी। अब देखो फॉर्मूला बन गया पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो अब मेरा ए क्या है, 2 ए का काम कर रहा है, तो एक काम करो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो इसको, देखो एक तो, या तो इसको ऐसे लिखो माइनस 2 ए का लिखो, जब ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर इसको 2a रहने दे रहा है, b को माइनस, b और c को माइनस b माइनस c लिख लो, वन एंड द सेम थिंग, दोनों से सेम आएगा। मैंने बोला मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, अब देखो इसके हिसाब से ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, करके देख लो, b plus c minus 2a का होल स्क्वायर, करके देखो, a स्क्वायर, मतलब देखो इधर से स्टार्ट करें, 2a minus 2a का स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर 2bc minus, इधर minus 4ac आ जाएगा, minus 4ac minus 4ab आ जाएगा, minus 4ab, तो मेरा d क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। वही तो मुझे प्रूफ करना था, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, अब रूट d जब लिखूंगा मैं तो वो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल करेगा, तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, रूट्स क्या आएंगे, रैशनल आ जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो अल्टीमेटली क्या सीखा हमने, कि अगर मान लो मुझे प्रूफ करना है कि कोफिशिएंट्स दिया हुआ है कि कोफिशिएंट्स रैशनल है, और मुझे प्रूफ करना है कि रूट्स विल बी रैशनल, तब मेरा टारगेट किस पे होगा, आई शुड ट्राई टू मेक d परफेक्ट स्क्वायर, वो मैंने प्रूफ कर दिया, d इज परफेक्ट स्क्वायर, या फिर स्क्वायर ऑफ b प्लस सी माइनस 2a का, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे मैं भी बोल रहा था माइनस b को माइनस b से लिखो, c को माइनस c से, और 2a को माइनस 2 जो लिखा उसके लिए 2a, तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 2a माइनस b माइनस c का स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मैंने जैसे कि बोला कि ये तो हो गया मेथड वन, थोड़ा सा मतलब लेंदी बोल सकते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बट अब एक ट्रिकी पार्ट, अब थोड़ा बहुत लॉजिकल सॉल्यूशन, देखना ध्यान से, मैं इसको रब कर देता हूं पहले, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। मैंने बोला अब ट्रिकी पार्ट देखो, ट्रिकी पार्ट ये है कि अभी मैंने एक नोट लिखवाया था कुछ,
जस्ट अभी स्टार्ट किया लेक्चर, कि इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज जीरो देन उस क्वाड्रेटिक का एक रूट पक्का वन होगा. जस्ट सी कोफिशिएंट्स का सम, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए. देखो क्या हो रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो हो रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो. सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो है तो पक्का इसका एक रूट वन होगा. अभी तो ये प्रूव हुआ एक रूट वन है, अब दूसरा रूट और देखना है. तो दोनों रूट रैशनल आना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि मैंने प्रूफ कर लिया कि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट रैशनल है. अब मैंने बोला कि अब इस फैक्ट पे यूज करते हैं जो कल नोट लिखवाया था, कि रूट्स अगर कोफिशिएंट्स रैशनल है तो क्या होगा, कि और कोफिशिएंट्स रैशनल है तो कोई भी क्वाड्रेटिक में अगर रैशनल रूट्स आते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं. ठीक है, इसका मतलब अगर एक रूट अगर इरेशनल आ रहा है तो पक्का दूसरा भी इरेशनल आएगा. बट मैंने इधर ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है कि वन ऑफ द रूट इज वन, हैज अदर रूट हैज टू बी रैशनल. वो इरेशनल हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इरेशनल रूट्स तो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं. अगर मान लो दूसरा इरेशनल हो गया तो फिर इसका रूट वन नहीं होना था. बट वन तो मैंने प्रूव कर दिया कि वन तो रूट जीरो, वन इज द रूट क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट इज जीरो. हैंस प्रूफ क्या लिखोगे तुम इधर, स्टेटमेंट क्या लिखोगे? सम ऑफ कोफिशिएंट इज जीरो, हैंस वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज वन. पहला चीज. सेकंड चीज क्या लिखेंगे, कि सिंस कोफिशिएंट्स आर रैशनल, देयरफॉर इफ वन ऑफ द रूट इज रैशनल देन अदर रूट हैज टू बी रैशनल. क्या लिखा दोबारा, एज कोफिशिएंट्स आर रैशनल एंड इफ वन रूट इज इरैशनल देन अदर रूट हैज टू बी रैशनल बिकॉज इरैशनल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर. क्लियर है, समझ में आया? तो दिस इज बेटर मेथड. दो चीज का यूज हो गया, एक तो आज के नोट का और एक कल के क्लास वाले नोट का. और कल वाले क्लास में मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था सम ऑफ वो जो कोफिशिएंट्स है वो रैशनल होना चाहिए, तब जो रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं. ठीक है ना, उसको याद रखना. और उसी का वजह से मेरा इमेजिनरी में क्या था, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स आर रियल देन इमेजिनरी रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो कॉन्जुगेट में आएंगे. क्लियर है बच्चों? चलो अब मैं इसका सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं. ठीक है ना, अब मैं इक्वेशन चेंज कर रहा हूं और उसको भी तुम दोनों मेथड से करोगे, स्पेशली वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले से. तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं इधर, इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लो. देखना मैं इसी का सेकंड पार्ट, मतलब इसमें भी मुझे प्रूफ क्या करना है, कि रूट्स आर रैशनल. तो मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन. इक्वेशन इज ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू बी इंटू एक्स प्लस टू ए प्लस एट बी इक्वल्स टू जीरो. देखो मेथड वन जो मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर वाला, दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. क्या करोगे तुम, इसका डी निकालो एंड ट्राई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. 100% बनेगा, 100% इसका जो डी आने वाला है वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही आएगा. ठीक है, मैं इसको बता रहा हूं मेथड टू से. अब मेथड टू पे आते हैं. तो अब देखो पहली बात, कि अगर कोई ने सोचा चलो सम ऑफ कोफिशिएंट्स चेक करते हैं एक बार, तो मैंने कहा a माइनस बी प्लस थ्री ए प्लस टू बी प्लस टू ए प्लस एट बी, क्या जीरो आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि देखो b टू बी और एट बी तो यही हो गया, टेन बी माइनस बी नाइन बी आ गया, तो कट तो नहीं रहा. अब क्या करूं मैं, तो वीडियो पॉज करो और दो मिनट तक सोचो कि ऑब्जर्वेशन से मुझे बताना है कि इसका रूट क्या है. योर टारगेट इज टू टेल वन ऑफ दिस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ऑब्जर्वेशन जैसे वन होता है वैसे माइनस वन चेक करो, माइनस टू माइनस थ्री, इस टाइप से आसपास के दो तीन इंटीजर्स में अगर क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, तो मैं ऐसा ही रूट इसका देगा जो इंटीजर हो और जीरो के आसपास हो. ठीक है ना, दिस इज अ थंब रूल, समझ लो इसको. ठीक है, तो एक बार खुद से सोचो इसका रूट क्या है, पॉज द वीडियो, अब मैं बताने जा रहा हूं. ठीक है ना, लास्टली आई एम सेइंग पॉज इट नाउ. सुनो सॉल्यूशन, मैंने बोला बाय ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि इसका एक रूट माइनस टू है. मैंने बोला बाय ऑब्जर्वेशन वन ऑफ द रूट इज माइनस टू. कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता माइनस टू है? मैंने अगेन बोला कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो जो एग्जामिनर होगा वो इसे इस टाइप की क्वाड्रेटिक देगा कि जो उसके रूट्स होंगे ना, उसका जो एक रूट होगा कम से कम एटलीस्ट वन रूट जो होगा ना वो जीरो के आसपास कोई ना कोई इंटीजर होगा. जैसे मैं अभी तुम्हें क्यूबिक को फैक्टराइज करना ही बताऊंगा. ठीक है ना, जब हम हाई डिग्री पॉलीनोमियल पढ़ेंगे जैसे 4 डिग्री 5 डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी हमें पता है एक ऑब्जर्वेशन से एक रूट निकालना पड़ता है. ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन वाला रूट होता है ना वो पक्का 99.9% केसेस में क्या होता है, वो इंटीजर होता है और जीरो के आसपास होता है. तो माइनस टू
इस जीरो के आसपास इट इज इंटीजर, बहुत रेयर केस होगा कि हाफ या माइनस हाफ होगा, ठीक है। चलो तो माइनस टू एक बार रख के देख लेते हैं, चलो विश्वास नहीं तो एक बार रख के देख लेते हैं। तो क्या होगा, माइनस टू का स्क्वायर इज फोर टाइम्स ए माइनस बी, माइनस टू इंटू थ्री ए प्लस टू बी प्लस टू ए प्लस एट बी। मैंने माइनस टू रखा है इस क्वाड्रेटिक में, देख रहा हूं मैं जीरो आ रहा है या नहीं। तो फोर ए माइनस फोर बी माइनस सिक्स ए माइनस फोर बी प्लस टू ए प्लस एट बी। देखो माइनस फोर बी माइनस फोर बी एट माइनस एट बी प्लस एट बी जीरो, फोर ए प्लस टू ए सिक्स ए माइनस सिक्स ए, हेंस दिस इज जीरो। अब अभी मेरा इतना अभी मेरा प्रूफ नहीं हुआ कि रूट रैशनल है, अभी तो मैंने इतना प्रूफ किया कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट माइनस टू आ रहा है, अब मुझे बाकी रूट पे भी कमेंट करना है। तो फिर मैं वो वाला नोट यूज करूंगा कल वाला, क्या जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया, इससे पहले वाले पार्ट में, कि सिंस कोफिशिएंट्स आर रैशनल बिकॉज एबीसी रैशनल है, तो जो ए माइनस बी है वो भी रैशनल होगा, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रैशनल, दिस इज ऑल्सो रैशनल। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस रूट कोफिशिएंट्स आर रैशनल एंड इफ वन ऑफ द रूट इज रैशनल देन अदर हैज टू बी रैशनल, बिकॉज फॉर कोफिशिएंट इफ कोफिशिएंट्स आर रैशनल देन अगर इरैशनल रूट एग्जिस्ट करता है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होता है। तो और माइनस टू एक हमने पहले निकाल लिया कि विच इज इरैशनल, सॉरी विच इज रैशनल, तो दूसरे रूट को भी रैशनल होना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, चलो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट पॉइंट भी, सुनना ध्यान से सुनना। और मैं क्या कर रहा हूं, हम जनरल क्वाड्रेटिक भी लिख रहे हैं दैट पॉइंट। तो ऐसे लिख लो फॉर क्वाड्रेटिक, मेक अ नोट ऑफ इट, फॉर क्वाड्रेटिक, फॉर क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और वही चीज ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसके लिए मैं कमेंट कर रहा हूं, ठीक है, देखना क्या है नोट, नोट क्या है कि जो इसके रूट्स है ना उसके बारे में है, कि अगर मैंने बोला कि ए और इमेजिनरी रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक के, मैंने बोला इफ, ऐसे लिख लो, इफ इट हैज इमेजिनरी, इफ इट हैज इमेजिनरी रूट्स, इफ इट हैज इमेजिनरी रूट्स देन 100% क्या होगा, ए कॉमा सी विल बी ऑफ सेम साइन, ऑफ सेम साइन। समझो इसको ध्यान से, क्या बोला मैंने, एक बार खुद एनालिसिस करो क्या लिखा है, खुद से समझो, मैं तो समझा ही रहा हूं, वीडियो पॉज करके तुम लोग सोचो क्या लिखा है मैंने। देखो रूट्स रैशनल है, तो मेरे को उसने बोला इमेजिनरी रूट्स है, तो इमेजिनरी कैसे आता है, वो डी के कारण आता है, मतलब डी लेस देन जीरो होता है तब मेरा इमेजिनरी आता है, इसका मतलब डी लेस देन जीरो है, उसने बता दिया कि रूट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब डी लेस देन जीरो है। अब वो बोल रहा है अगर इमेजिनरी रूट्स है तो पक्का ए एंड सी विल बी ऑफ सेम साइन, तो अब देख लेते हैं डी होता क्या है, तो डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी, देखो ये बी स्क्वायर ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना, अच्छा अब सोचो अगर ए और सी अपोजिट साइन के हो जाए, मतलब अपोजिट साइन के हो जाए मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, इफ ए कॉमा सी अपोजिट साइन। तो सुनना अगर ए और सी अपोजिट साइन के हो गए तो माइनस फोर इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया, उससे तो रियल रूट्स आते हैं बट उसने बोला का इमेजिनरी रूट्स है, इसका मतलब पक्का ए एंड सी अपोजिट साइन के तो नहीं होंगे, इसलिए उसने बोला है कि इमेजिनरी रूट्स अगर है किसी क्वाड्रेटिक के तो पक्का ए एंड सी विल बी ऑफ सेम साइन। अब देखो सेम साइन में क्या होगा कि ए और सी सेम साइन के हैं, तो देखो ये क्या होगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, अब पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव तो नेगेटिव आ सकता है अगर बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो पर अब ए और सी अपोजिट साइन के नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। तो उसने क्या बोला एक बार और कि अगर क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स है तो पक्का जो ए और सी होगा ना दे विल बी ऑफ सेम साइन, अपोजिट साइन के हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपोजिट साइन के होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया कि ए इंटू सी नेगेटिव हो गया, माइनस फोर लिखा है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया, वो तो रियल आ गए रूट्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसका वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इधर लिख लो वाइस वर्सा, अब इसको और एक्सप्लेन करता हूं, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू,
पहले समझते लिखा क्या है, वाइस वर्सा मतलब क्या बोला इसने, कि अगर ए एंड सी सेम साइन के होंगे तो जरूरी नहीं है कि रूट्स इमेजिनरी आए। क्या बोला इधर लिख लो, दैट इज लिखना है तो दैट इज इफ ए एंड सी आर ऑफ, इफ ए कॉमा सी आर ऑफ सेम साइन देन इट इज नॉट कंपल्सरी कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। ऐसे लिख लो, देन इट इज नॉट, देन इट इज नॉट कंपल्सरी या मैंडेटरी, देन इट इज नॉट मैंडेटरी दैट रूट्स विल बी इमेजिनरी। उल्टा हम नहीं बोलेंगे, क्लियर है बच्चों? क्यों ऐसा क्यों है देख लेते हैं एक बार। जैसे इधर लिख लेता हूं मैं साइड में, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखो उसने क्या बोला कि ए और सी सेम साइन है, ठीक है मान लिया, एक मिनट के लिए मैंने मान लिया ये भी वन है ये भी वन है, और b की वैल्यू मैंने ले ली, b इज इक्वल टू लेट से 3 ले ली, रख के देखो इधर देखो आया बी स्क्वायर की अगर 9 माइनस 4 तो ये तो पॉजिटिव आ गया ना, इमेजिनरी रूट्स आया, रियल आ गए, इसलिए बोला उसने उल्टा ट्रू नहीं है। क्यों? वो तो डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड पे, डिपेंड कर रहा है बी स्क्वायर और 4 एसी का मैग्नीट्यूड कौन डोमिनेटिंग है। अगर a एंड 4 एसी बड़ा हो गया तो इमेजिनरी आएंगे, अगर 4 एसी बी स्क्वायर से छोटा हो गया तो रियल आएंगे, तो इसलिए उल्टा कमेंट नहीं करेंगे कि ए और सी सर इमेजिनरी रूट्स हैं तो ए और सी अब सेम साइन होना चाहिए, एंड उल्टा बोल देते हैं कि ए और सी सेम साइन है तो इमेजिनरी रूट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वो मैंने प्रूफ कर दिया कि इधर मैंने ए और सी सेम साइन लिए 1 and 1, बट स्टिल डी इज पॉजिटिव, रूट्स रियल आ रहे हैं, इसलिए लिखवाया वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब अगर ए और सी सेम साइन के होंगे तो पक्का नहीं है रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी भी हो सकते हैं रियल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे, बी स्क्वायर बढ़ा है या 4 एसी बढ़ा है, क्लियर है? हाँ, बट ये करेक्ट है स्टेटमेंट है, अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो पक्का ए और सी अपोजिट साइन के नहीं होंगे, मतलब सॉरी ए और सी विल बी ऑफ सेम साइन। ठीक है बच्चों, चलो इसी के ऊपर एक और नोट लिखते हैं, तो पॉज करो वीडियो, अच्छे से कॉपी करो, और कोई भी डाउट आए फील फ्री टू आस्क, कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं रखना है, ठीक है ना। चलो अब हम ये लिख रहा हूं, देखना मैं रब कर देता हूं इसको। अब मैं बोल रहा हूं एक और नोट इसी सेम इसी कैटेगरी का, अब मैं बोल रहा हूं इफ ए एंड, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पार्ट ऑफ इट इन दिस ओनली, अब मैं क्या लिख रहा हूं, इफ ए एंड सी, इफ ए कॉमा सी आर ऑफ अपोजिट साइन। अब उसने बोल ही दिया ए और सी अपोजिट साइन है तो क्या होगा, हम क्या कर सकते कमेंट रूट्स के बारे में, द रूट मस्ट बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, द रूट्स will be real and distinct। ठीक है, ठीक है, तो roots क्या होंगे, roots will be real and distinct। अब सुनना ऐसा क्यों, तो इसको देख लेते हैं, तो मैंने d लिखा, d इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो अब a और c अपोजिट साइन के होंगे तो ये नंबर क्या होगा, ये क्या होगा मेरा, अपोजिट साइन के होंगे तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इनटू माइनस 4 ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। बट अगेन इस केस में भी वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कि रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ऐसे लिख लो इधर, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन ए कॉमा सी आर ऑफ अपोजिट साइन, ये गलत हो जाएगा। क्यों और गलत होगा देख लेते हैं एक बार, क्या बोला रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, उसने बोला ए और सी अपोजिट साइन के, नहीं ना, ए और सी अगर सेम साइन के भी हैं तो भी रूट्स ये अपना रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तब क्या हो सकता है, जरूर नहीं ए और सी अपोजिट साइन के, सेम साइन के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं बोल रहा हूं कि रूट्स रियल और इमेजिनरी है तो ए और सी मैं सेम साइन का लेके प्रूफ कर देता हूं, सेम जैसे मैंने पहले किया था, ये वन है ये वन है, और बी को लेट से मैं ले लेता हूं 3, तो ये 9 माइनस 4 विच इज 5, तो रूट्स रियल आ रहा है, समझ में आया वाइस वर्सा क्यों लिखा मैंने, ये करेक्ट है। अगर रूट्स अपोजिट साइन, सॉरी ए और सी अपोजिट साइन के होंगे तो पक्का रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट।
ठीक है बच्चों, समझ में आया, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चों, जस्ट लिसन इट केयरफुली। मैं लिख रहा हूं, प्रूव दैट द इक्वेशन, प्रूव दैट दी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो विल हैव एटलीस्ट टू रियल रूट्स। और गिवन क्या है कि जो ए बी सी डी है दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। तो उसने क्या बोला है कि देखो, पहली बात तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक। अगर तो हमारा ये क्या आएगा, 4 डिग्री पॉलीनोमियल आएगा, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 4 आएगी। दिख भी रहा है जब ए एक्स स्क्वायर इस ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम पावर क्या बनेगी, एक्स की 4। तो इस क्वाड्रेटिक के 4 रूट्स होंगे, पहली बात तो मैं बोल रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके 4 रूट्स होंगे। तो लेट से इस वाले के तो अल्फा और बीटा है, इस वाले के गामा और डेल्टा है, तो ओवरऑल इसके 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। मुझे क्या प्रूफ करना है कि इन चारों से कम दो तो रियल होंगे ही होंगे, चारों भी हो सकते हैं, बट उसने बोला एटलीस्ट टू रियल रूट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं हम, तो देखना सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक को Q1 बोल रहा हूं, इसको Q2 बोल रहा हूं। तो मैंने Q1 का पहले D लिखा, D1, उसको मैं D1 से डिनोट कर रहा हूं, जिसके मैंने तो क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC, और D2 Q2 का विच इज वॉट डी स्क्वायर माइनस दिखाया तो माइनस ऑफ माइनस सी प्लस सी हो जाएगा तो प्लस 4AC, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना ध्यान से। अब मैं केसेस बना रहा हूं, मैंने बोला केस 1, केस भी किसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूं, ए इंटू सी के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला इफ ए इंटू सी इज ग्रेटर देन 0, क्या हो सकता है, ए और सी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, 3 ही केस बन सकते हैं, कोई भी चीज होगी, नंबर होगा, क्या होगा, अगर कोई रियल नंबर है तो क्या होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो 3 केसेस बनना है, केस 1, केस 2 इफ ए इंटू सी इज लेस देन 0, और केस 3 इज इफ ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। तीनों के लिए देख लेते हैं। तो अगर मान लो ए सी पॉजिटिव हुआ, अगर ए सी पॉजिटिव हुआ तो हम D2 पे कमेंट कर सकते हैं। देखो डी स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर होगा, रियल क्वांटिटी का स्क्वायर, ए सी भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो D2 इज पॉजिटिव। D1 पे नो कमेंट, D1 पे नो कमेंट क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है 4AC का मैग्नीट्यूड बड़ा है या बी स्क्वायर बड़ा है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चीज आने वाली है, मतलब जैसे 9 माइनस 4 है या फिर 9 माइनस 16 है, क्या है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एसी के मैग्नीट्यूड पे। तो डी वन पे तो कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये पक्का है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में D2 पॉजिटिव होगा, अगर D2 पॉजिटिव है तो क्या होगा, मेरा गामा और डेल्टा 2 रियल रूट्स आ गए, गामा और डेल्टा। वी कैन नॉट कमेंट अबाउट ए अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकते हैं, समझ में आया। अब केस 2 पे आते हैं, मैंने बोला अगर ए सी नेगेटिव है, अगर ए इंटू सी नेगेटिव है, नाउ D1 देखो ए इंटू सी नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू माइनस 4 क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, D1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, D1 पॉजिटिव होगा। अगर D1 पॉजिटिव है तब मैं इसके रूट्स जो होगा अल्फा कॉमा बीटा ये रियल रूट्स होंगे। अगेन D2 पे अब मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, नो कमेंट, D2 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो किस पे डिपेंड करेगा, 4AC का मैग्नीट्यूड बढ़ा है या डी स्क्वायर बढ़ा है, क्लियर है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, ए इंटू सी 0 हो गया तो दिख रहा है D1 भी पॉजिटिव होगा, D2 भी पॉजिटिव होगा, तो D1 भी पॉजिटिव, चलो लिख लो इधर D1 ग्रेटर देन 0 कॉमा D2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अल्फा बीटा भी रियल होंगे, गामा डेल्टा भी रियल होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा कॉमा बीटा
कॉमा गामा कॉमा डेल्टा ऑल आर रियल, ऑल आर रियल। अब इसके अलावा कोई केस बन सकता है? हमने ऑल पॉसिबल केस बना लिए विद रिस्पेक्ट टू ए इनटू सी। हर एक केस में क्या हो रहा है, कम से कम दो रियल पॉजिटिव रूट आ रहे हैं, इसमें तो चारों ही आ गए, बहुत अच्छी बात है। हमें तो प्रूफ करना है कम से कम दो, इसमें भी कम से कम दो, इसमें भी कम से कम दो, हैंस प्रूफ इस क्वाड्रेटिक, इस बाय क्वाड्रेटिक बोलूंगा एक्चुअली, क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक, इसके कम से कम दो रियल रूट्स होंगे ही होंगे अगर एबीसी रियल क्वांटिटीज है तो। ठीक है ना, समझ में आया? चलो अब इसी को मैं एक और मेथड से बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लो, देखना वो और स्मार्ट तरीका है थोड़ा, इससे भी कम टाइम एनालिसिस लगेगा। मैं इसको रब कर देता हूं, देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन वन, दिस इज माय इक्वेशन टू, ऐड दीज टू, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो मैंने लिखा डी वन प्लस डी टू, डी वन प्लस डी टू कितना आया हमारा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और फोर ए सी कैंसिल हो गया। अब सोचो ये तो क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा अब दो क्वांटिटीज का सम पॉजिटिव आ रहा है तो क्या दोनों नेगेटिव हो सकती हैं? ऑफ कोर्स नहीं, कम से कम इन दोनों में से एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब तीन सिनेरियो हमारे पास, या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए, या फिर दोनों पॉजिटिव हो जाए। दोनों नेगेटिव होंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दोनों नेगेटिव होंगे तब सम पॉजिटिव तो नहीं आ सकता। तो देखो अगर पहला सिनेरियो हुआ इन विच डी वन इज पॉजिटिव तो दो रूट्स मिल गए रियल, सेकंड सिनेरियो डी टू इज पॉजिटिव तो दो रियल मिल गए, दोनों पॉजिटिव हैं तो चार रूट्स रियल मिल गए। समझ में आया? ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, ठीक है? चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। ओके सो दिस विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेट्स से मेरे पास दो क्वाड्रेटिक हैं, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इज ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, दिस इज माय क्वाड्रेटिक वन, एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, दिस इज माय क्वाड्रेटिक टू, ठीक है? तो मुझे कंडीशन निकालना है। कंडीशन मतलब क्या है, बेसिकली ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ये जो छह कॉन्स्टेंट है इनमें एक रिलेशन निकालना है सच दैट रूट्स आर कॉमन। तो इधर हमारे दो पॉसिबल सिनेरियो हैं, क्या क्या, कि एक तो कि दोनों रूट्स ही कॉमन हो जाए, या फिर कम से कम एक रूट कॉमन हो, एक कम से मेरा मतलब एग्जैक्टली वन रूट एक कॉमन हो, ठीक है ना? कम से कम नहीं बोलूंगा मैं, आई शुड से एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन। क्या बोला मैंने कि कॉमन रूट मतलब दो सिनेरियो हैं, या तो दोनों रूट्स कॉमन हो या फिर एक रूट कॉमन हो, क्लियर है? अच्छा अब कल के नोट में, कल की क्लास में मैंने एक नोट लिखवाया था तुम लोगों को, क्या कि अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रूट्स चेंज होते हैं क्या? नहीं, रूट्स चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या है, वन एंड टू, ठीक है? अगर मैं इसके इस क्वाड्रेटिक को अगर मैंने लेट्स से टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई विल से टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो इसके भी रूट्स टू ही रहेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन दोनों क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स कॉमन है, बोथ रूट्स कॉमन है, बेसिकली मतलब ही एक्चुअली मतलब क्या है कि वो सेम ही क्वाड्रेटिक लिखी है, बेसिकली इसको इससे कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, इस क्वाड्रेटिक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आ गई, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि दोनों रूट्स, दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम होंगे। बेसिकली वो एक ही क्वाड्रेटिक है, मतलब ऐसे बोल सकता हूं कि वन क्वाड्रेटिक इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक। क्या बोला दोबारा, दिस क्वाड्रेटिक इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो अब देखो कैसे मैं बताऊंगा, जैसे मैंने एक मिनट के लिए इसमें बोला, इसमें मैंने बोला कि इन दोनों में रूट्स दोनों कॉमन है, तो क्या होगा बेसिकली, ये इसका मल्टीपल होगा या वाइस वर्सा, ये इसका मल्टीपल होगा। तो अब पहले मैं इसके लिए रिलेशन निकाल रहा हूं, फिर हम एक जनरलाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो क्या रिलेशन होगा दोनों में, देखो कैसे समझेंगे हम, अगर ये और ये एक दूसरे का मल्टीपल है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, इफ दिस एंड दिस आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, स्केलर मल्टीपल, देन जो कोफिशियंट है ना उनका रेशियो सेम होगा। देखो एक्स स्क्वायर का क्या है वन, नीचे क्या है टू, तो वन बाय टू इज इक्वल टू, ऊपर एक्स का कोफिशियंट माइनस थ्री, नीचे क्या है माइनस सिक्स, सेम आ रहा है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पार्ट, ऊपर टू है नीचे फोर है, तो देख लो बराबर आ रहा है। ये कब आएगा, जब दोनों रूट्स कॉमन होंगे, तो क्या बोलूंगा मैं, रेशियो ऑफ कोफिशियंट्स विल बी इक्वल। तो इधर ही लिख दो, इधर स्टार्ट कर देते हैं हम केस वन।
क्या लिखेंगे हम केस वन में, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तब, अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स विल बी सेम, दैट इज इधर लिख लो, तुम लोग लिख लो प्रॉपर, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स विल बी सेम, दैट इज मैं दैट इज से लिख रहा हूं, दैट इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। क्लियर है, समझ में आया? चलो तो ये तो केस बहुत आसान था कि जब दोनों रूट्स कॉमन है, थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा कैलकुलेटिव होगा जब एग्जैक्टली एक रूट दोनों के बीच में कॉमन होगा, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है? तो बहुत सिंपल पार्ट था कि व्हेन वन बोथ द रूट्स आर कॉमन द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स विल बी सेम, अगर ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन है, बेसिकली दोनों रूट्स कॉमन है मतलब क्या है, एक ही क्वाड्रेटिक है, बस क्या है इसको किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जैसे कि ये लिखा है। क्लियर है बच्चों? चलो अब आते हैं केस टू पे, व्हेन वन रूट इज कॉमन, तो लिख लो इधर, व्हेन वन रूट इज कॉमन, व्हेन केस टू, व्हेन वन रूट इज कॉमन, लिखना तो ऐसे लिख लो, व्हेन एग्जैक्टली वन लिख लो, ज्यादा करेक्ट रहेगा, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन। तो क्या करें अब हम, अब मुझे कॉमन रूट कंडीशन निकालनी है, ये भी कंडीशन ही है जो मैंने बोला था, कंडीशन मतलब क्या होता है, बेसिकली जो कॉन्स्टेंट्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनमें एक रिलेशन चाहिए, दिस इज व्हाट द रिलेशन फॉर बोथ द रूट्स कॉमन। इसी तरीके से मुझे एक रिलेशन चाहिए कब, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, ठीक है? तो क्या करें, मान लेते हैं कि जो कॉमन रूट है दैट इज लेट से अल्फा, तो क्या लिखूं मैं, लेट द कॉमन रूट, लेट द कॉमन रूट इज अल्फा, ठीक है? एक ही रूट कॉमन है विच इज लेट से अल्फा, तो अगर रूट है दोनों का तो क्या करें, जो हमारा प्राइमरी स्टेप क्या होता है, अगर हमें रूट पता है किसी क्वाड्रेटिक का तो क्या करें, हम वो रूट क्वाड्रेटिक में रख के सेटिस्फाई कराते हैं, तो क्या करें अल्फा को दोनों में रख देते हैं, क्योंकि दोनों का रूट है वो कॉमन रूट है, तो इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखूं मैं, फाइनली मैंने क्या लिखा, सिंस अल्फा इज रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं क्या लिख रहा हूं देखना, ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, फिर अल्फा सेकंड क्वाड्रेटिक का भी रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इधर क्या आएगा, ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। देखो अब देखो इसके बाद क्या करना चाहिए, देखो इक्वेशन दो है, मुझे अल्फा एलिमिनेट करना है, अल्फा एलिमिनेट करना है, अब कैसे सॉल्व करना है, दैट इज ऑल्सो बिग टास्क, ठीक है? मैंने बोला इन दोनों इक्वेशन से तुम अल्फा एलिमिनेट करो, हाउ टू एलिमिनेट अल्फा, सो देर इज वन मेथड कॉल्ड क्रैमर्स रूल, ठीक है ना? बहुत से बच्चों को तुम में से पता भी होगा इसके बारे में, ठीक है? क्रैमर्स रूल मैं लिख देता हूं इधर, क्रैमर्स रूल मैं समझा रहा हूं अभी, इधर समझ लेना क्रैमर्स रूल कैसे करते हैं, ठीक है? बहुत आसान चीज है, क्या लिखा मैंने देखो, इधर ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा सी लिखा, तो लेट्स से अल्फा स्क्वायर और अल्फा के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो इधर मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर, ध्यान से देखना, बीच में इक्वल टू, फिर माइनस अल्फा इक्वल टू वन, फिर डिनोमिनेटर में आते हैं, बहुत से बच्चों ने किया होगा, नाइन टेंथ में आता है इस मेरे हिसाब से, ठीक है ना? फाउंडेशन में तो मैं पढ़ाता हूँ, आई डोंट नो अबाउट द बोर्ड, बट फाउंडेशन में आई यूज टू टीच दिस क्रैमर्स रूल, और मैंने काफी बच्चों को तुम में से जो लास्ट टाइम जेई बैच में थे उन लोगों को पढ़ाया भी था। सुनना, अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखेंगे, तो मैंने ये वाले कोफिशिएंट को हाइड किया, फिर कैसे रीड कर रहा हूं, देखो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, इसको हाइड किया बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, तो इधर लिखूंगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। अब आते हैं माइनस अल्फा के नीचे, अब मैं क्या करूं, इसको मिटा देता हूं दो मिनट के लिए, अब मैं बीच वाले को हाइड करता हूं, तो क्या आएगा ए वन सी टू, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, तो जाएगा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, एंड लास्टली अब मैं दोबारा इसको रब कर रहा हूं, अब मैंने बोला अब कॉन्स्टेंट को हटाया तो क्या बचेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं आया ये समझ में तो वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है? मैं इसके बाद प्रोसीड कर रहा हूँ अभी। चलो तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मतलब कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स कॉमन, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब सुनना, अब जैसे
अब मैंने तुमसे पूछा, मान लो कि ये मेरी कितनी इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, तो बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, तीन है। एक्चुअली नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर ऐसे लिखा ना, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, देयर आर टू इक्वेशंस। कैसे, जैसे मान लो मैं एक तो इन दोनों को इक्वेट करके निकाल रहा हूँ और एक इन दोनों को इक्वेट करके एक रिलेशन मिलेगा, मतलब इन दोनों को बराबर किया, ये इधर लेके गया ये इधर लेके गया, एक इक्वेशन मिली, फिर इन दोनों से एक इक्वेशन मिली, फिर कोई स्टूडेंट बोलेगा इसमें फिर आप इन दोनों को भी करो तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी, नहीं ना, जब मैंने इसको और इसको इक्वेट किया और इसको इक्वेट किया, इनडायरेक्टली मैंने इन दोनों को भी इक्वेट कर लिया, वो फैक्ट मैंने यूज कर लिया कि ये दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि ये अगर इसके बराबर है, ये मैं यूज कर रहा हूं, प्लस ये इसके बराबर है, ये भी मैं यूज कर रहा हूं, तो अपने आप यूज हो गया कि ये और ये दोनों चीज बराबर है, क्लियर है। तो ऐसा जब बहुत सी जगह मैथमेटिक्स मिलने वाला है, तो मैं ये वाली चीज सिनेरियो, जैसे दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज इक्विवेलेंट टू टू इक्वेशन, तो ऐसे लिख लो, इधर लिखना है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू टू इक्वेशन, दिस इज इक्विवेलेंट टू टू इक्वेशन नॉट थ्री, ठीक है। चलो अब क्या करें हम, तो क्या किया, एक बार इन दोनों को इक्वेट किया, एक बार इन दोनों को इक्वेट किया, तो एक अल्फा से एक अल्फा गया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ये और ये इक्वेट कर रहा हूं मैं, तो एक अल्फा से एक अल्फा गया, तो इधर क्या बचेगा, अल्फा अल्फा अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। तो फाइनली इधर से मुझे अल्फा क्या मिला, तो मैं इधर लिख लेता हूं, अल्फा इज इक्वल टू ए वन, ठीक है, माइनस ऑफ बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइड बाय ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। पहली इक्वेशन से मुझे अल्फा ये मिला, अब दूसरा मैं क्या करूंगा, ये वाली दोनों इक्वेशन यूज करूंगा, ये वाली, इधर से अल्फा डायरेक्टली मिल जाएगा मुझे, तो देखना अल्फा क्या लिख रहा हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा और माइनस भी इधर चला जाएगा, तो माइनस ऑफ ये वाला पार्ट ए वन सी टू, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन अपॉन ये वाला पार्ट ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब क्या करें हमें, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कॉमन रूट कंडीशन मतलब क्या है, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ये जो छह कॉन्स्टेंट है इनमें एक रिलेशन चाहिए, तो क्या करें दोनों अल्फा को इक्वेट करो, इक्वेट करोगे तो जो इक्वेशन आएगी दैट इज फ्री फ्रॉम अल्फा, वो एक रिलेशन आ गया, दैट इज नथिंग बट कॉमन रूट कंडीशन। क्या लिखो, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट दीज टू, तो देखना माइनस से माइनस कैंसिल, तो पूरा लिख लेते हैं माइनस ऑफ बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन, देखने में ये बड़ी लग रही है, अभी देखना मैं शॉर्ट एक बार याद करवाता हूं मैं तुम लोगों को इसको, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये माइनस से माइनस गया और ये उधर जाके ये दोनों चीज सेम लिखी है, तो उसका स्क्वायर हो गया, तो फाइनली आई विल गेट ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो इसको, दिस इज व्हाट कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है ना, दिस इज व्हाट कॉमन रूट कंडीशन। शॉर्ट में क्या बोलूंगा मैं, सी आर सी, we'll refer it as CRC, common root condition, clear है बच्चों, समझ में आया। अब देखो लग रहा होगा देखने में बहुत बल्कि है, बट देखो मैं मेरे साथ साथ याद करना कैसे लिखा है, देखो क्या लिखा है, पहले बीच वाले कोफिशियंट को हटा दो, बीच वाले पार्ट को, तब मैं क्या लिखूंगा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन उसका स्क्वायर LHS में, तो एक बार बीच वाले को हटाया तो मैंने LHS लिखा, क्या लिखा दोबारा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का स्क्वायर। अब मैं LHS पे आता हूं, LHS के लिए क्या करो, एक बार इसको हाइट करो कॉन्स्टेंट को, एक बार इसको हाइट करो क्योंकि बीच वाले को तो हाइट कर चुका मैं, तो इसको हाइट करूंगा तो क्या बनेगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, फिर इसको हाइट करूंगा तो क्या बनेगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत छोटी सी बात है, इस पे क्वेश्चन किस तरीके बनेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, कॉमन रूट कंडीशन पे पहले समझ में आना चाहिए। देखो एक बार और रिकॉल करते हैं, हमने शुरू से क्या किया, मैंने बोला कॉमन रूट कंडीशन निकालनी है, कोई दो इक्वेशन दिए और हमने जनरल ले ली, मतलब ए वन बी वन सी वन के टर्म्स में और ए टू बी टू सी टू के टर्म्स में, फिर मैंने बोला कंडीशन निकालनी है, मतलब क्या है कि ए बी सी ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इन छह कॉन्स्टेंट में एक रिलेशन निकालना है मुझे,
फिर मैंने बोला कि दो सिनेरियो बनेंगे, या तो दोनों क्वाड्रेटिक मतलब दोनों रूट्स कॉमन होंगे, या फिर एग्जैक्टली एक रूट कॉमन होगा। फिर मैंने बोला कि अगर दोनों रूट कॉमन हुए, क्या बोला, अगर दोनों रूट कॉमन हुए तो वो बेसिकली क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक को मैंने किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा है दूसरा क्वाड्रेटिक, विच इन टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ रेशियो शुड बी सेम, दैट इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये हो गया कॉमन रूट कंडीशन इफ फॉर बोथ द रूट्स कॉमन। फिर मैंने बोला सेकंड केस आया हमारा, विच इज ऑफकोर्स अ कैलकुलेटेड वन, कि एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है जो कॉमन रूट है उसको मैंने अल्फा मान लिया। अगर रूट मुझे मिल गया किसी क्वाड्रेटिक का तो मैं क्या करता हूं, उसमें रख देते हैं हम, सेटिस्फाई कराते हैं। तो सिंस अल्फा विच इज कॉमन रूट इज रूट ऑफ दीज बोथ बोथ द इक्वेशन, तो दोनों को सेटिस्फाई करा दिया, उससे अल्फा में दो इक्वेशन मिली। फिर मैंने बोला इन दोनों से मुझे एलिमिनेट करना है अल्फा, तो इधर लिख लो, ऐसे लिख लो, नहीं तो एलिमिनेट अल्फा यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो कैसे एलिमिनेट करना, दोबारा एक बार देखते हैं। मैंने बोला अल्फा स्क्वायर लिखा पहले, फिर माइनस अल्फा, फिर वन, डिनोमिनेटर में आते हैं हम। जब अल्फा स्क्वायर लिखना तो इसको ऐड किया, तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। फिर माइनस अल्फा के नीचे लिख रहा हूं तो इसको ऐड किया, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। फिर जब सी सी वन के नीचे लिख रहा हूं तो इसको ऐड किया, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। फिर मैंने क्या बोला कि अगर ऐसा थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, नॉट ओनली फॉर हेयर, बहुत जगह यूज होगा, तुम्हारे इक्वेशन जो दी होगी बहुत बहुत सी टेक्स्ट बुक्स में दिया होगा, तुम्हें क्वेश्चंस भी आएंगे, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब तीन बार ऐसी चीज लिखी है, दिस इन दिस मींस देयर आर टू इक्वेशंस नॉट थ्री, ये चीज मैंने बताई, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। उसके बाद क्या किया, इन दोनों से एक अल्फा की वैल्यू निकाली और इन दोनों इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकाली और उन दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया तो अल्फा एलिमिनेट हो गया और मुझे उन छह कॉन्स्टेंट में एक रिलेशन मिल गया, एंड दैट इज नथिंग बट कॉमन रूट कंडीशन। क्लियर है बच्चों? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, ठीक है ना, कॉपी करो, मैं इसको रैप करता हूं। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चन, मेरे पास देखना क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। फाइंड ए, देखो लिखो क्वेश्चन, लिखो एग्जाम्पल, फाइंड स्मॉल ए इफ द इक्वेशन, इफ द इक्वेशन, इफ द इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, बिकॉज तुम लोग को ऑलरेडी मैंने शीट भी दिया है, ठीक है ना, उसको भी और आज ही डिस्कस करना है, ठीक है, आज ही तुम्हें उसके डाउट्स क्लियर करने, जो पांच क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम बच्चों का मुझे अभी डाउट्स आए हैं अभी तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करें, पहले इन सच क्वेश्चंस उसने क्या बोला है कि मुझे ए निकालना है सच दैट दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, क्लियर है। अच्छा, उसने ऐसा नहीं बोला कि एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है, उसने बोला है इन दोनों में कॉमन रूट है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, पहले हम वेरीफाई करेंगे क्या देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर बोथ द रूट्स बीइंग कॉमन। दोबारा क्या बोला मैंने सॉल्यूशन में, कि उसने ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, तब तो हम क्या करते, वो कॉमन रूट कंडीशन डायरेक्टली लगाते। सुनना ध्यान से, मैंने बोला उसने नहीं बोला है कि एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, नहीं तो हम क्या करते, अगर एग्जैक्टली यूज करता तब हम वो सीआरसी कंडीशन लगा देते, बट उसने बोला हैव अ कॉमन रूट, तो फिर इसका मतलब क्या है, एक कॉमन रूट भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू वेरीफाई, क्या पहले वेरीफाई करूंगा क्या दोनों रूट पॉसिबल होने की संभावना है, क्या इज इट पॉसिबल, देयर इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ द रूट्स बीइंग कॉमन। तो चेक कर लिया, अगर मैंने मान लिया लेट्स से बोथ द रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, मैंने बोला मान लिया, अब देखेंगे अगर आगे चल के कुछ गड़बड़ आया रिजल्ट तो मैं बोल दूंगा जो मैंने माना वो गलत था, hence exactly एक रूट कॉमन होगा। क्लियर है बच्चों? तो लेट्स से बोथ द रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों रूट्स कॉमन है,
अब मुझे पता है कि अगर दोनों रूट कॉमन है तो कोफिशियंट का रेशियो सेम होता है, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 1, इधर क्या है 1 इज इक्वल टू, इधर क्या है एक्स का कोफिशियंट माइनस ऑफ ए प्लस 3, उधर क्या है मेरा माइनस 7, फिर कॉन्स्टेंट पार्ट इधर क्या है 4, उधर क्या है 3। मतलब अगर दोनों रूट क्या बोलते हैं कॉमन होंगे तो ये चीज होल्ड करना चाहिए। तो लेट्स से कि ये करेक्ट लिखा है या नहीं, तो क्या किया देखो, इन दोनों इक्वेशन से मेरा ए की वैल्यू कितनी आई 4/3। अब इन दोनों से देख लेते हैं, चलो इन दोनों से देख लेते हैं, इधर से क्या आया मेरा ए प्लस 3 इज इक्वल टू 7। क्या ये जो ए की वैल्यू आई वो इसको सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो हमने अज्यूम किया है दैट इज बोथ द रूट्स आर कॉमन इज रॉन्ग। अब मैं लिखूंगा नाउ देयर इज एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, क्योंकि उसने दे रखा था कॉमन रूट है और हमने प्रूव कर दिया कि दोनों रूट तो कॉमन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या बची, एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन। दोबारा सुनो क्या भी है, इन सच क्वेश्चंस अगर वो इधर बोल देता एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है तो हम सीआरसी कंडीशन लगाते, बट उसने बोला नहीं, उसने बोला एक, उसने बोला कॉमन रूट है, एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है। तो मैंने स्टार्ट किया से किया कि मैंने मान लिया एक मिनट के लिए कि दोनों रूट्स कॉमन है, अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो कोफिशिएंट्स ऑफ कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा, तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अब इससे क्या किया, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से a की वैल्यू 4/3 मिली। अब मैंने वो इसमें रख के देखा क्या इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, वो ये दोनों को सॉल्व करना मतलब ये चीज ये लिखी है क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही। इसका मतलब दिस कंडीशन इज नॉट होल्डिंग, ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। इसका फर्दर मतलब क्या हुआ कि दोनों रूट्स कॉमन हो ही नहीं सकते। तो तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिखना है जितना मैंने एक्सप्लेनेशन बोला है डिटेल्ड, ठीक है ना। अब मैं आता हूं, हैंस अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, हैंस वन रूट इज कॉमन, हैंस एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन। इसके पहले मैंने जो बोला तुम्हें अपने लैंग्वेज में लिखना है, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस, हैंस अवर अजम्पशन दैट बोथ द रूट्स आर कॉमन इज रॉन्ग। इस टाइप से लिखो, मैं देखने वाला हूं, ठीक है ना। यू शुड व्हाट्सएप मी योर पिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, अब हम सीआरसी लगाते हैं, तो मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लो। तो अब एक रूट कॉमन है तो लगाते हैं सीआरसी। तो सीआरसी लगाने के लिए पहले सबसे देखो, सबसे गड़बड़ कभी नहीं करोगे, क्या करो एक क्वाड्रेटिक के नीचे एक लिख लो, मैं ये मेरा तरीका है, कभी गड़बड़ नहीं करोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 इनटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसी के नीचे दूसरा लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 3 ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लिखाते हैं, तो पहले क्या बताया था मैंने, बीच वाला हाइट करो, फिर क्या लिखे ए वन सी टू, तो 1 इंटू 3 ए 3 ए, 1 इंटू 4 4 तो माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो मेरा LHS हो गया। अब आते हैं RHS पे, तो RHS के लिए क्या बोला था, इसको हाइट करो, दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस ऑफ दिस इंटू 3 ए, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 ए इंटू ए प्लस 3। फिर आते थे माइनस, ये हाइट किया ना मैं एक मिनट, हाँ ये हाइट किया, फिर माइनस माइनस 7 इंटू 4 तो 14 28, तो प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस होता है ना ये पहले ब्रैकेट में, क्या लिखते हैं हम, जैसे मैंने इसको हाइट किया, इसको हाइट किया तो b1 c2 ये लिखा है, फिर माइनस b2 c1 ये लिखा है, माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट। अच्छा इसको भी ना आई वांट यू टू सॉल्व इट, मतलब मैं क्वाड्रेटिक बना देता हूँ फाइनली, उस क्वाड्रेटिक मतलब इसको क्वाड्रेटिक है तुम ही बनाना है, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मतलब फर्दर तुम्हें एक ही वैल्यू तुम्हें निकाल के बतानी है। हाँ अब नेक्स्ट ब्रैकेट, इसमें क्या लिखते हैं हम, अब क्या करते हैं, बीच वाले को हाइट करके ये लिखा, पहले वाले को हाइट करके ये लिखा, अब क्या करें हम इस वाले को हाइट करते हैं, एक मिनट इसको हाइट किया ना, अब इसको हाइट करते हैं, इसको हाइट करूंगा तो क्या आएगा 1 into -7, तो 1 into -7 इज -7, फिर माइनस ऑफ, फिर क्या करते हैं हम इसको हाइट किया 1 into -7 माइनस ऑफ 1 into -ऑफ ए प्लस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस ए प्लस 3, ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लिख देता हूं, उसके बाद आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस। तो देखो इधर कितना है माइनस 3 ए स्क्वायर, नहीं ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, और नहीं तो इसके बाद तुम लोग सॉल्व करोगे, माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 28 इंटू, और ये हो गया माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 प्लस ए,
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट, 4/3, 4/3 से जस्ट होल्ड ऑन, मेरा इधर आया 4×4=16। एक नहीं, ठीक है, करेक्ट है। अब तुम इसके बाद तुम्हारा टारगेट क्या होगा, सॉल्व इट योरसेल्फ। नहीं आता है तो मैं मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार देखते हैं हमने कंडीशन क्या लगाई। मैंने बोला ए इज अ फाइंड ए इफ द इक्वेशन दिस हैव अ कॉमन रूट, तो मैंने क्या बोला, उसने बोला कि कॉमन रूट है, उसने ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है। तो पहले मैंने कैसे स्टार्ट कर दिया, कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट किया। मैंने बोला लेट्स, मान लिया कि दोनों रूट कॉमन है, फिर हमने देखा ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू बराबर नहीं आए, इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था दैट इज बोथ द रूट्स आर कॉमन, दैट इज रॉन्ग। फिर मैंने बोला एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, अगर एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन है तब मैं बोलूंगा वी कैन अप्लाई सीआरसी, कॉमन रूट कंडीशन। वो थी क्या, वो ये थी कि पहले दोनों क्वाड्रेटिक को मैंने ऐसे लिखा, फिर बीच वाले को हाइड किया, तो 1 × 3a − 1 × 4, तो 3a − 4 इसका स्क्वायर, ठीक है ना, a1 c2 − a2 c1 = 2। फिर मैंने बोला इसको हाइड किया तो क्या आया, 3a, एक मिनट, ठीक है, −3a + 28, −3a × a+3 + 28। फिर इसको हाइड किया, 1 × −7 −1 × −a+3, ये लिखा है। अब तुम्हें इसको सॉल्व करके मुझे ए निकालना है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो हम उसको कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, तो थोड़ा मजा आएगा, डिस्कशन होगा। देखो वैसे एक डीपीपी भी देने वाला हूँ कॉमन रूट कंडीशन पे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बट उससे पहले हमें क्लास के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। मैं लिख रहा हूँ लेट इक्वेशन x²+3x+5 = 0 एंड 3x²+ax+b = 0 हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट वेयर a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड a, b, देन फाइंड a, b। देखो वैसे क्वेश्चन से देख के तुम्हें एक चीज क्या सोचना चाहिए कि देखो जब मैं कॉमन रूट कंडीशन लगाऊंगा ना, तो मेरा उस जब मैं लगाऊंगा तो एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स होंगे a और b। अब सोचो एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो थोड़ा सा ट्रिकी चीज लगने वाली है इसमें, ठीक है ना। क्या बोला मैं दोबारा, अगर तुम सीआरसी लगाओगे इसमें तो तुम्हें ए और बी में एक रिलेशन मिलेगा, बट वेरिएबल्स तो दो हैं ए और बी, इक्वेशन एक है, अब दूसरी इक्वेशन का क्या करें। इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब मेंस लेवल, मेंस से ऊपर के लेवल का ही बोलूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट एक और दो होमवर्क क्वेश्चन, लेट द इक्वेशन a − b × x²+ b − c × x + c − a = 0 हैज अ रूट 2+√3, देन फाइंड रिक्वायर्ड कंडीशन, देन फाइंड रिक्वायर्ड कंडीशन ऑन a, b, c। और गिवन क्या है हमें, गिवन a, b, c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज पढ़े आज हम। अगर कोई भी चीज में डाउट आता है, सबसे पहला काम तो क्या है, तुम रिमाइंड करके खुद से समझो, तो खुद से समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर डाउट रहता है तो फिर मुझसे फ्री फ्री पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।